आठ। किसान मित्रों, आज हम जैविक खेती के विभिन्न तरीकों के बारे में बात करेंगे। हम कैसे करते हैं जैविक खेती, इसके बारे में बात करते हैं। जैविक खेती के तरीकों में गोबर की खाद, कंपोस्ट का उपयोग करना, बर्मी कंपोस्ट का उपयोग, हरी खाद का उपयोग, फसल चक्र का पालन करना। अब जैव उर्वरकों जैसे कि राइजोबियम हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, एजोस्पाइरिलम हो गया, PSB हो गया, बैम माइकोराइजा हो गया, पोटेशियम सॉल्युबल बैक्टीरिया हो गया, अपना सल्फर सॉल्युबल बैक्टीरिया हो गया, जिंक सॉल्युबल बैक्टीरिया हो गया, या नीले हरित शैवाल का उपयोग करके तथा फसल में कीट व्याधि तथा खरपतवारों का जैविक नियंत्रण कर पशुपालन को सम्मिलित करना हमारा जैविक खेती का, हम इससे जैविक खेती कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जैविक खाद तथा जैविक उर्वरक की। जैविक खाद और जैविक उर्वरक में क्या अंतर है? जैविक खाद जो होती है वो कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से प्राप्त उर्वरक हैं, जिन्हें हमारे पोषक तत्व तो पहले से जिसमें उपलब्ध होते हैं। और अब हम बात करते हैं जैविक उर्वरक की। जैविक उर्वरक हमारे जैविक जो हमारे जीव होते हैं उनके द्वारा पोषक तत्वों को पौधों के प्राप्त करने योग्य बनाया जाता है। जो जीव उसमें काम करते हैं हम उन्हें जैविक उर्वरक कहते हैं। जैसे कि हमारा राइजोबियम हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, और हमारा ये एजोस्पाइरिलम हो गया, और हमारा एसिटोबैक्टर हो गया। ये आज हम केवल बात करेंगे कि हमारी जो फसल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो बैक्टीरिया करते हैं, आज केवल हम उसके ही बारे में बात करेंगे। तो इसीलिए आज हम आपको बताते हैं, जैसे हमारी दलहनी फसल है, दलहनी फसल में हम अपना राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करते हैं, और हमारी जो अन्य फसलें हैं जैसे धान, मक्का, गेहूँ, गन्ना, कपास और इत्यादि फल सब्जियां, इनमें हम एजोटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम का प्रयोग करते हैं। तो अब हम बात करते हैं एजोटोबैक्टर हमारा, हमें इसका प्रयोग कैसे करना है और हमें इनको कब खेत में डालना है और कितनी मात्रा में डालना है। तो इसके लिए अब हम बात करते हैं, जो हमारा एजोटोबैक्टर है ये हमारा एक साल में 20 से 40 किलो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण खेत में करता है तथा हमारी 20 से 40% तक की वृद्धि एक साल में करता है। ऐसे ही हमारा जो एजोस्पाइरिलम है वो 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है तथा 15 से 20 किलोग्राम हमारी वृद्धि में हमारे फसल की वृद्धि को ये बढ़ा देता है। अब हम बात करते हैं एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर जो है ये मुख्यतः गन्ने में प्रयोग होता है। तो गन्ने के लिए हम इसका, ये जो गन्ने में है ये 65 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन का फिक्सेशन पूरे साल में करता है। अब हम बात करते हैं कि इन्हें हम कब अपने खेत में डालें। हम इन्हें अपने खेत में एजोटोबैक्टर एजोस्पाइरिलम जो है इसको हम बुवाई के समय जब हम बीज को शोधित करते हैं उस टाइम पे हम अपने खेत में 24 घंटा पहले अपने बीज को शोधित करके इसको बो सकते हैं, या हम इसे अपने खेत में मिट्टी शोधन जिसे हम कहते हैं उस तरीके से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारा एसिटोबैक्टर है उसका भी हम प्रयोग अपने खेत में, या तो हम अपना जो गन्ने का जो सेट्स होते हैं उनको हम उपचारित कर सकते हैं, या हम इसका 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम इसका प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद और क्या क्या अपने फसल के लिए और क्यों क्यों ये लाभकारी हैं, इसकी भी हम आपको जानकारी देते हैं। ये हमारी फसल में जैसे कि हमारा वृद्धि पादक हार्मोन होते हैं जो हमारे पौधे की वृद्धि के लिए काम करते हैं, जैसे हमारा हो गया जिब्रेलिक एसिड, एंडोल एस्टिक एसिड हो गया, तथा रोग से लड़ने की क्षमता विटामिन सी, इनका सबका भी ये स्राव करते हैं जिससे हमारे पौधों की वृद्धि अच्छी होती है तथा रोग से लड़ने की क्षमता को ये बढ़ाते हैं। आशा करते हैं आपको ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया के बारे में जो जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी। इसके लिए आप हमारा वीडियो लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम इसके बाद फास्फोरस, पोटास, जिंक, इनके बारे में अगले वीडियो में अपनी बात करेंगे। धन्यवाद।